नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की। रामनगर में कार और बाइक में हुई जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। हल्द्वानी में बुलंद हुए चोरों के हौसले, घर के बाहर खड़ी कार का टायर लेकर हुए फरार। उत्तराखंड में भारी बरसात, बरपा रही कहर। भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। सावन की महाशिवरात्रि में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु भारी मात्रा में, जलाभिषेक के लिए लोगों का लगा तांता। चंपावत जिले में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का दिन प्रतिदिन प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बेमियादी कार्य बहिष्कार के चौथे दिन चंपावत लोहा घाट पाटी और बाराकोट में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि काम का सही दाम मिले बगैर वे वापस नहीं लौटेंगे। आपको बता दें कि कार्य बहिष्कार के चलते गांव में सफाई, साफ पानी, परिवार कल्याण और पोषण के कार्यक्रम पर भी असर पड़ रहा है। वहीं आशा संगठन की हेमा जोशी ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। आज हमारा कार्य बहिष्कार का चौथा दिन है। यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम 12 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी इसमें पहली मांग यही है कि हमें मासिक वेतन चाहिए। मासिक वेतन के लिए हम सारे लोग ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इतने में हमारा जो भी हमारी आशा बहने हैं, इतने भी हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है, इसमें से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं है। हमारे लिए जीरो है। कितने एक घर यहाँ है तो एक घर उतनी दूर है। इतना सारा काम करने के बावजूद भी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। मसूरी में शिव कॉलोनी और कई स्थानों पर कई साल से पानी का संकट बना हुआ है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार विभाग को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। इस दौरान आज क्षेत्रवासियों के साथ समाजसेवी पंडित मनीष गोयल के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों की ओर से अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में जलापूर्ति सुचारू करने की मांग की है, जिससे क्षेत्र के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना न पड़े। वहीं जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि इस काम के लिए पेयजल निर्माण निगम से बात की गई है। साथ ही उन्होंने बरसात खत्म होने पर पानी की लाइन बिछाने की बात कही है। मसूरी विधानसभा में जब भ्रमण में था तो शिव कॉलोनी की समस्या सुनी। काफ़ी लंबे समय से उनकी पानी की समस्या थी। 300 सीढ़ियाँ 90 की ढलान में कि वहाँ से उनको पानी आना ले आना पड़ता था। तो उनकी समस्या देखकर जब मैंने उनका जल निगम संस्थान से मैंने बात करी देहरादून में, तो उन्होंने बोला एक साल पहले टेंडर हो चुका था, पर अधिकारी इतने सुस्त थे कि वो सोए बैठे थे और जिनको टेंडर दिया गया था वो भी सुस्त थे, क्योंकि अप्रैल उसमें गर्मी टाइम में ये काम हो सकता था, पर उन्होंने काम को ढीले रखा। जिनकी समस्या विगत काफ़ी वर्षों से बनी हुई है, उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा संबंधित क्षेत्र में जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। जब वो लाइन बिछा देंगे तो उसके बाद ही उनको पानी प्रॉपर तरीके से उपलब्ध हो पाएगा। हरिद्वार में बीते दिनों ज्वालापुर सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर पर पार्टी की ही एक महिला नेता ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर विधायक सुरेश राठौर का कहना था कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया गया है। वहीं अब इस मामले में एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। दरअसल शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने विधायक के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया था वो 31 तारीख को ही वापस ले लिया गया है। साथ ही उन्होंने रविदास आचार्य सुरेश राठौर से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी है। सर, ये मैंने वापसी ले लिया, 31 तारीख को मैंने वापसी ले लिया था, मुकदमा मैंने किया था और वो मैंने वापसी ले लिया। इसमें किसी का मतलब कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है, ये मैंने खुद मेरा ही है निर्णय है कि मैंने खुद वापसी लिया है। और जो विधायक सुरेश राठौड़ जी हैं, रविदास चारी है, जो उनकी मतलब मेरे से कोई गलती हो गई हो मुझे क्षमा करना कहना चाहता हूं और मांग करता हूं सरकार से कि मेरी जान माल को खतरा में, मैंने पहले भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बात की थी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो लोग रंगदारी के केस में जेल गए और झूठा षड्यंत्र करके अदालत को गुमराह करके, ना उन्होंने अदालत को ये बताया कि वो बेल पर छूट कर आए हैं,
वो रंगदारी के केस में जेल गए हैं और 156(3) में मेरे विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूं कि इस केस की पूरी जांच करें। उत्तरकाशी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता मिशन पर काम कर रही स्वजल योजना विवादों में घिर गई है। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके गांव की योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन के तहत कागजों में खाना पूर्ति पूरी कर रही हैं, लेकिन लाभार्थियों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने बताया कि उन्होंने 2019-20 की ग्राम सभा में चयनित लाभार्थियों की सूची और सार्वजनिक शौचालय के बारे में विभाग को जानकारी दी थी, बावजूद इसके आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं विभाग का कहना है कि प्रधानों की ओर से उपलब्ध करवाई गई सूची पर काम चल रहा है, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं के चल रहे आंदोलन को कांग्रेस नेता शिल्पी अरोरा और किशोर कुमार ने समर्थन दिया। इस दौरान शिल्पी अरोरा ने कहा कि बिना मानदेय के सिर्फ प्रोत्साहन राशि पर आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं, वहीं उनके हड़ताल को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में आए हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार बनते ही इनके मानदेय पर विचार किया जाएगा। वहीं युवा कांग्रेस नेता किशोर कुमार ने कहा कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इस दौरान उनके हड़ताल पर बैठने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को जायज बताकर समर्थन देने की बात कही है। आशा वर्कर जो हैं, आप देख रहे हैं, सारे कोरोना काल में अपनी जान पे खेल कर, अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों में पहुंची और उन्होंने लोगों की मदद करी, लोगों की जानें बचाई। इनमें से खुद कितनी बीमार हो गई और कितनी चली भी गई, इसके बावजूद भी इन लोगों के जज्बे में कोई कमी नहीं आई। इनको जो दिया जाता है वो कुछ भी नहीं है, इनका कन्वेंस का चार्जेस भी नहीं है। मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ, इनको एक अच्छा मानदेय मिलना चाहिए, इनको सरकारी एम्प्लॉय की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनको मेडिकल इंश्योरेंस और जीवन बीमा भी एक अच्छे अमाउंट का पूरे परिवार का इनको मिलना चाहिए। करती लगातार कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे है। इस सरकार के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा जान जोखिम में डालकर अगर काम किया है तो इन आशा कार्यकर्ताओं ने किया है, और आए दिन कोई ना कोई नए नियम के तहत इनको कभी टीकाकरण, कभी कहीं पे भेजा जाता है। ऐसे भी रात के 12 बजे अगर कोई प्रसव पीड़ा होती है तो सबसे पहले ही आशा कार्यकर्ती को ही जाती हैं। तो ऐसे समय में इन लोगों की मांगों को लेकर अगर ये धरने पर बैठे हैं और कोरोना काल जैसे समय में ये लोग धरने पर बैठे हैं, ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री तो बदल दिए, लेकिन सरकार की नीति है वो जस की तस बनी हुई है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।